हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीमोज होम किचन। बारिश का मौसम है तो सोचा गरम गरम चाय के साथ पकोड़े हो जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ भजिया प्लेटर, मतलब पकोड़ा प्लेटर। तो चलो शुरू करते हैं। इस प्लेटर में होंगे चार तरह के पकोड़े। चलो बनाते हैं 15 मिनट में भजिया प्लेटर, वो भी सिर्फ एक बैटर में। तो प्लेटर की शुरुआत करते हैं मिर्ची पकोड़ा से। मिर्ची को अच्छे से वॉश करके कुछ इस तरह से कट मारेंगे। ऐसा छोटा सा स्लिट मारना है, पूरा कट नहीं करेंगे। और चम्मच से अंदर के बीज निकाल लेंगे। ऐसे ही सभी मिर्ची के अंदर के बीज निकाल लेते हैं। चाहे तो ऐसे ही बैटर में डुबा के पकोड़े बना सकते हैं, पर आज मैं स्टफ मिर्ची पकोड़ा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है इमली का पल्प। आप इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं। और इमली के पल्प में डालेंगे रोस्टेड मूंगफली का पाउडर या फिर तिल का पाउडर और नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून जीरा, 2 मिर्ची पकोड़ा के लिए स्टफिंग रेडी है। अब इसे मिर्ची में स्टफ कर लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रेस करके स्टफ नहीं करना है। इसी तरह से सभी मिर्ची को मसाला भर के तैयार कर लेंगे। अभी हम बनाएंगे बैटर। तो आज मैं आपको एक ही बैटर में 3 टाइप्स के पकोड़े दिखाऊंगी। बस उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे और अलग अलग टाइप्स के पकोड़े बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी बेसन। अब उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अरारूट पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेंगे। अगर आपके पास अरारूट पाउडर नहीं है, इसके बदले में आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कि इसमें कोई रिबन क्रिएट ना हो रही हो। जैसे कि बैटर को ऊपर से ड्रॉप करें तो नीचे जाने पे उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमारी स्टफ की हुई मिर्ची तैयार है और बैटर भी। अभी बैटर में डालेंगे थोड़ा सा गरम तेल, ऑलमोस्ट 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम तेल डालने से पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसे तल लेंगे। तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। ध्यान रहे, तेल आपका अच्छे से गरम होना चाहिए, जैसे कि जब हम पकोड़ा तेल में डालेंगे तो वो तुरंत ऊपर आ जाए और बबल्स दिखने लगे। ये देखिए, हमारे मिर्ची के गरम गरम पकोड़े तैयार हैं, एकदम फ्लफी एंड टेस्टी। तो चलिए अब बनाते हैं तोराई के पकोड़े, सस्ते सुंदर और टेस्टी। तोराई को छोटा छोटा काट लेंगे कुछ इस तरह से। सेम बैटर में डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को हाथ से थोड़ा क्रश कर लेते हैं। और साथ में हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस बैटर में तोराई डाल के इसे भी तल लेंगे।
ये दोराई के पकोड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं और एक ही दोराई में कम से कम 25 से 30 पकोड़े बन जाएंगे। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। यकीन मानिए, ये तोराई के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और अगर आपके घर में सिर्फ दाल चावल या खिचड़ी बनी हो, ऐसे टाइम में फटाफट तोराई के पकोड़े बनाइए और उसके ऊपर चाट मसाला डाल के एंजॉय कीजिए। और अब प्लेटर में अगला आइटम है आलू के पकोड़े। तो सबसे पहले आलू को छील लेते हैं। और इसकी भी स्लाइस काट लेंगे। आलू के स्लाइस इस साइज के होने चाहिए। और इसे पानी में रख लेते हैं। अब सेम बैटर में डालेंगे थोड़ा सा हींग और रेड चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ट्विस्ट देने के लिए इसमें ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आलू के पकोड़े को भी तल लेते हैं। आलू को बैटर में डाल के ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा बैटर निकाल लेंगे और गरम तेल में डालेंगे। करछी से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम तेल डालते जाएंगे, जिससे पकोड़े के ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। और पलट के भी पका लेंगे। इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह से हमें सारे आलू के पकोड़े तल लेना है। ये देखिए हमारे आलू के पकोड़े एकदम क्रिस्पी और फुले फुले से। कोई भी पकोड़ा प्लेटर प्याज के पकोड़े के बिना अधूरा है, मतलब हम सब का फेवरेट कांदा भजिया। सबसे पहले प्याज को काट लेते हैं कुछ इस तरह से। तो एक बाउल में कटा हुआ प्याज लेंगे, उसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी आप अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से थोड़ा क्रश कर लेते हैं, एक टीस्पून तिल, एक टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। सौंफ डालने से भजिया में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा नींबू का रस। आप नींबू या फिर आमचूर पाउडर में से कुछ एक भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ बेसन। इस बैटर के लिए हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। 3 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून अरारोट, यही रेशियो हम फॉलो करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक ही प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। आप प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से बेसन और अरारोट डालें, पर याद रहे उसका रेशियो 3:1 होना चाहिए, मतलब 3 चम्मच बेसन और 1 चम्मच अरारोट पाउडर, तभी आपके प्याज के पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हाथ में थोड़ा पानी लगा के पकोड़े तल लेते हैं।
इसे थोड़े थोड़े देर में पलटते रहना है। पकोड़े का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो हमारा भजिया प्लेटर तैयार है, अब गरम गरम चाय के साथ एंजॉय करते हैं। ये देखिए मिर्ची का पकोड़ा, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और तुराई के पकोड़े। तो चलो आप भी एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बाय बाय।